आज के शुरू में हम बात करने वाले बॉलीवुड के वर्ल्ड वाइज कलेक्शन के काले सच का, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। आजकल नोटिस किया होगा आपने, जब भी बड़े लेवल की फिल्म रिलीज की जाती है तो उसका कलेक्शन केवल इंडिया से नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइज बताया जाता है। अभी हाल ही में जरा हटके जरा बचके मूवी आई है जिसे लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन उसका कलेक्शन केवल इंडिया से कितना आया ये बताया जा रहा है। लेकिन जैसे ही आदिपुरुष रिलीज होती है उसके अगले दिन पब्लिक के सामने 140 करोड़ वर्ल्ड वाइज लिखकर एक पोस्टर डाल दिया जाता है। सिर्फ आदिपुरुष ही नहीं, इवन जब शाहरुख खान की फिल्म पठान आई थी तब भी 106 करोड़ वर्ल्ड वाइज लिखकर मेकर्स की तरफ से जश्न मनाया गया था। लेकिन क्या आपको पता है, आदिपुरुष के 140 करोड़ में से इंडिया के अंदर 46 करोड़ कमाए थे, बाकी 54 करोड़ बाहर से बताया गया था। लेकिन इस मामले में सबसे शौकीन बात यह है कि SS राजामौली की RR मूवीज, वहां पर आपके होश ही उड़ जाएंगे। उनकी RR मूवी ने वर्ल्ड वाइज पहले ही दिन 223 करोड़ कमाए थे जिसमें इंडिया से सिर्फ 133 करोड़ बाकी बाहर से बताए गए थे। ये वर्ल्ड वाइज वाला गेम क्यों शुरू किया गया, क्योंकि ग्लोबल बॉक्स ऑफिस का हिसाब रखने वाली कोई वेबसाइट या कंपनी ही नहीं है। कितना सही कितना गलत ये किसी को पता ही नहीं। वर्ल्ड वाइज वाला कलेक्शन फिल्म के मेकर्स ही ऑडियंस के सामने रखते हैं, इसमें कितना दूध कितना पानी सिर्फ वही जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।